आरटीयू भारत की इस खास पेशकश में मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं सिरोली में मौजूद हूं और यहां पर आज शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। साथ ही आपके लिए बता दें, मुख्य अतिथि के तौर पर यह राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2018 श्री बशुद्दीन खान जी रहे। स्पेशल गेस्ट अरशद सर रहे जो सिरोली के प्रिंसिपल है। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड बशुद्दीन सर और प्रिंसिपल साहब से मैं बातचीत करता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत करता हूँ। क्या कहेंगे आज शिक्षक दिवस आज जो मनाया है कार्यक्रम? शिक्षक दिवस जो आज 5 सितंबर को पूरे इंडिया के अंदर मनाया जाता है, जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, उसी की तर्ज पर हमने भी अपने स्कूल के अंदर हर्षोल्लास के साथ में शिक्षक दिवस को मनाया है। इससे शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है और अध्यापक को भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी कम से कम ये उनको नॉलेज हो जाती है कि शिक्षक का जो उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या योगदान है। और दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बगैर शिक्षक के कोई कुछ बनता नहीं है, क्यों तो वी गेट नॉलेज फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जो एक टीचर है वो मैं बेस्ट टीचर उसको कहूँगा कि जो हु कैन चेंज वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट एंड आई मे कॉल हिम द बेस्ट टीचर। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के हित में काम करें और एक अच्छे टीचर के रूप में अपनी पहचान छोड़ें, यही मेरा प्रयास था। दर्शकों, ये भी मैं बता दूं, नारनौल में 3 जो अध्यापक हैं हमारे मेवात से हैं, उनको भी राज्य शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपके लिए बता दें, जितनी भी मेहनत रहती है शिक्षकों के लिए या फिर मेवात के तमाम जो शिक्षक हैं, बशुद्दीन जी लगातार मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं उनको उस राह पर लाने का प्रयास करते हैं जहाँ उनका हौसला बढ़ता है। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है? देखिए, जो आज का कार्यक्रम जो पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय लेवल पर विज्ञान भवन में जो हुआ है, राज्यपाल ने हरियाणा में पंचकुला में किया है, इसी कड़ी में हमारे विद्यालय में भी अरशद सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ये सोचा था और ये कहा था कि अपनी जो सीआरसी में या अपने ज़िले में जो भी बेहतरीन टीचर हैं, क्यों ना उनको हम आज शिक्षक दिवस पर सम्मानित करें। और इसके लिए हमने अपनी सीआरसी से कुछ, अपने सीआरसी से बाहर से जो बेहतरीन टीचर थे उनको हमने यहाँ पर सम्मानित करने का कार्य किया। क्योंकि अभी 3 तारीख को नारनौल में प्रगतिशील ट्रस्ट है, वहाँ राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन वेद प्रकाश जी चीफ गेस्ट थे। वहाँ भी हमारे मेवात के 3 टीचरों को सम्मानित किया गया था। टोटल 36 अध्यापकों को वहाँ पर सम्मानित किया गया, जिनमें से 3 टीचर हमारे थे बेहतरीन टीचर। आज उन 3 टीचरों को भी हमने यहाँ पर सम्मानित करने का कार्य किया और साथ में अपने विद्यालय से, अपने आसपास के विद्यालयों से जो अध्यापक थे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। इससे क्या होता है कि जो टीचर काम करता है पूरी साल तो उसे एक नई एनर्जी मिलती है और फिर वो एनर्जेटिक होकर के पूरी साल काम करता है। एक अच्छा मैसेज जाता है, अध्यापक को एक प्रोत्साहन मिलता है, एक हौसला मिलता है, ताकि वो पूरी साल जो है अच्छी मेहनत कर सके और बच्चों का जो भविष्य है उसे बना सके। क्योंकि अध्यापक ही, आप सब जानते हैं, कहते हैं बार बार एक जुमला है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। और क्यों ना हो, राष्ट्र निर्माता है। जैसे एक मशीन को बनाने के लिए कोई मशीनरी है, उसे बनाने के लिए एक इंजीनियर होता है, इसी तरह से देश को चलाने के लिए, बनाने के लिए जो अध्यापक होता है वो इंजीनियर का काम करता है। तो अध्यापक, बगैर अध्यापक के किसी भी फील्ड में ये कोई देश या इलाका तरक्की नहीं कर सकता है। तो हम सभी ने मिलकर के, हमारे मैं अरशद सर बड़े एनर्जेटिक हैं मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी ही, 3 तारीख को हम वहाँ से आए थे, 4 तारीख को यानी कल ही इन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर के और तुरंत मीटिंग कॉल करके और कहा सर ये कार्यक्रम ज़रूर आयोजित करेंगे। और इसके बाद 11-11 को हम, हमारा ऐसा प्लान है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम हम करें। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का जो जन्मदिन है, उस दिन हम इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की कोशिश करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा, अरशद सर ने ये कहा है कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि पूरे ज़िले से बेहतरीन टीचरों को सम्मानित किया जाए, क्योंकि इससे क्या है कि टीचर को एक नई ऊर्जा मिलती है। सर, हाँ सर, आखिर में क्या संदेश है तमाम क्षेत्रवासियों को? देखिए,
ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। और ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों की शिक्षा और इनका फ्यूचर है वो दो तालियों के बीच में है, यानी कि अध्यापक और समाज। तो मैं अध्यापक साथियों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपने मर्तव्य को समझें, अपने जो पद है उसकी गरिमा को समझें, और उसको समझते हुए बच्चों के साथ दिन रात का मतलब ये होता है कि वो 6.5 घंटे नहीं पढ़ा रहा, बल्कि वो रात को भी प्लानिंग कर रहा है, वो हमेशा स्कूल में ही रहता है। तो दिन रात मेहनत करके और अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने की कोशिश करें, ना केवल किताबी ज्ञान, नैतिक मूल्यों को भी बढ़ाना चाहिए, नैतिक शिक्षा भी उनको देनी चाहिए, सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का दायित्व होता है। तो अध्यापक साथियों से मेरी अपील है बतौर ये नेशनल अवार्डी टीचर कि आप सभी साथी अपने पद की गरिमा को समझते हुए, क्योंकि सारा देश हमें आज सम्मान दे रहा है, इस सम्मान को ध्यान में रखते हुए सभी साथी दिन रात मेहनत करें। साथ में मेरी अपील समाज से भी है कि समाज के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो अध्यापकों के साथ सहयोग करें और अपने बच्चों के लिए समय पर स्कूल भेजें, और साथ साथ में टाइम टू टाइम स्कूल के अंदर एक मीटिंग करें जिससे पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, अध्यापकों के साथ नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव बात करके और तालमेल बिठा करके इन बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलवाया जाए, ऐसा मेरा समाज से उम्मीद भी है और अपील भी। मेरा आपके माध्यम से पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे स्कूल में आए और हमारे प्रोग्राम को जो है ना फिक्सराइज किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ बसुद्दीन सर का जो नेशनल और स्टेट दोनों ही लेवल पर जो ना बेस्ट टीचर के अवार्डी हैं, कि वो भी माशाल्लाह इस उम्र के अंदर भी जब उनका एक ही साल बचा हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जोश में जो कभी 20-25 साल पहले सुना था, हालांकि इससे पहले भी मैं 2014-15 में सर के साथ हम दोनों ने टपकन के अंदर काम किया है, तो माशाल्लाह अगर इस तरह से कुछ टीचर हों तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और एक्चुअल में टीचर बाई चॉइस वाले बहुत ही कम हैं, वरना एक टीचर क्या नहीं कर सकता, एवरीथिंग इज देयर इन द हैंड्स ऑफ द टीचर। हमारे पास एक जनरेशन होती है, हम जैसे चाहे उनको मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी पे कटाक्ष तो नहीं करूँगा, ना ही मुझे इसका हक है, लेकिन हाँ ये है कि अगर हम अपनी ड्यूटी सही तरह से कर लें तो आज भी अपने मुल्क की तस्वीर को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर हम नेशनल बिल्डर हैं तो यूं ही तो नहीं कहा गया, उसके पीछे बहुत वजह होती हैं, और कोई भी मुल्क जब गुलाम हो जाता है तो उस मुल्क को आज़ाद कराने में भी मुल्क के टीचर्स का बहुत अहम किरदार रहता है। इस बात में हसमत भाई भी हमारे पास आए हैं, उनको भी कल जो ना बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था, तो उनका भी मैं आई वुड लाइक टू बी थैंकफुल टू देम कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने हमारे प्रोग्राम के शान को बढ़ाया। सर, जिस तरीके से स्कूलों में दिक्कतें हैं टीचरों की, लेकिन सर का जिक्र किया, हसन सर का, 7 टीचर हैं और 1300 कुछ बच्चे हैं, तो यकीनी ये कहा जा सकता है कि टीचर थोड़े ही क्यों ना हो, पढ़ाना है तो बच्चों को पढ़ाना ही है। देखो, ये एक्चुअल में एक्सेप्शनल केस होते हैं, मैं अपनी आइडियोलॉजी किसी दूसरे पर तो नहीं थोप सकता, और जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है तभी उसकी वाह वाह होती है, तभी लोग उसको आइडियल मानते हैं। अगर सब एक ही ढर्रे पे चलते हों और सब एक जैसा काम करते हों, देन हु कैन बी द कॉल्ड बेस्ट, और हम क्यों किसी को रिमेम्बर करें, क्यों किसी को याद करें। तो सर के ऐसे प्रयास से मैं बिल्कुल जो है ना आई रिस्पेक्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब एक्चुअल में ये नहीं है कि हमारे पास टीचर ना हो, क्योंकि सारे हसमत सर जैसे तो मेहनती नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर 2-4-5 हैं तो फिर वो इतना 2-4-5 स्कूलों को चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी स्कूल है, बहुत सारे बच्चे हैं। मेवात के अंदर जितने स्कूलों के अंदर बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने उसके आधे भी हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्टाफ नहीं होता। जैसे हम यहाँ पहले कभी 70+ का स्टाफ हुआ करता था, स्कूल ने बहुत सारी मतलब मेवात के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया कि बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह आजकल विदेश के अंदर भी सरकारी स्कूल से पढ़ के है ना। तो वो एक दौर वो भी था, एक आज के दौर है कि मेरे पास सिर्फ 4 लेक्चरर्स हैं, साइंस फैकल्टी भी पूरी नहीं है। तो ऐसे में अब मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता, अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो इंशाल्लाह देखो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बच्चों में से बेस्ट किस तरह से निकाल के लाऊँ, ठीक है। लेकिन फिर भी
अगर मैन पावर अच्छी हो तो फिर बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर अपना शुक्रिया। प्रदर्श को मेरे साथ ही प्रिंसिपल अर्षद सर जुड़ रहे थे, उससे पहले श्री बशरुद्दीन खान सर हमसे रूबरू हो रहे थे। तमाम का यही यहाँ शिक्षक दिवस जो मनाया है और यही कोशिश है कि बेहतर जो शिक्षक हैं उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और ये भी मैं आपके लिए बता दूँ, यहाँ पर स्कूली बच्चों ने भी शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाया और उनको गिफ्ट दी। लेकिन ये जिस तरीका से शिक्षक जो हैं उनसे एक संदेश लेना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। मैं रमजान आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़। नमस्कार।